डिवोर्स रूमर्स के बीच अभिषेक बच्चन का आया बयान ऐश्वर्या के लिए कहा कि मैं ऐश्वर्या को थैंक यू बोलता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल दोनों के बीच तलाक की अटकलें काफी ज्यादा आ रही हैं और इसी बीच अभिषेक बच्चन ने अपनी वाइफ को लेकर काफी कुछ शेयर किया है। एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय को थैंक यू बोला है और उनके बारे में कई बातें कही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा कि मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने एक्टिंग बंद कर दी थी क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। हमें पापा के आसपास न होने की कमी कभी नहीं खली। मुझे लगता है काम खत्म होने के बाद आप रात में अपने घर आते हैं। अपने घर में मैं खुद को काफी लकी मानता हूँ जो मुझे बाहर जाकर फिल्में करने का मौका मिला। पर मुझे पता है कि ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ घर पर है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस चीज को इस तरह से देखते हैं। वो आपको थर्ड पर्सन नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन के रूप में देखते हैं। वहीं अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि पेरेंट होने के नाते बच्चों से आपको काफी इंस्पिरेशन मिलती है। बच्चे के लिए आप एक पैर से पहाड़ भी चढ़ जाएंगे। मैं ये बात माओं और महिलाओं के लिए बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं क्योंकि वो जो करती हैं और कोई नहीं कर सकता। वहीं एक पिता ये सब करता है लेकिन उसे पता कभी नहीं होता कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ये मर्दों की कमी है। उम्र के साथ पता चलता है कि उनके पिता उनके लिए कितने मजबूत रहे। अभिषेक ने आगे कहा कि मैं बचपन में अपने पिता को कई दिनों तक नहीं देख पाता था। इतना बिजी होने के बाद उन्होंने मेरे एनुअल डे या बास्केटबॉल फाइनल मैच को कभी मिस नहीं किया।